नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर और वीडियो पे के सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, सबसे पहला अपडेट हमारा निकल गया था Realme की तरफ से। तो देखिए, Realme की तरफ से अभी जो उनका Realme X2 वाला डिवाइस आया था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिवाइस था आपका मिड रेंज सेक्शन में। तो अब Realme की तरफ से उनका एक Realme X3 मतलब कि आपका सक्सेसर डिवाइस आने वाला है। और इस डिवाइस की अगर मैं खास बात बताऊँ तो स्पेसिफिकेशन में आपके जो स्पेक निकल गए हैं, तो ठीक है, आपका 6.5 इंचेस का पैनल है, बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 10 होने वाला है। प्राइमरी सेंसर आपको जहाँ तक 48 मेगापिक्सल को देखने को मिल जाएगा और 4100 mAh की बैटरी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटिंग पार्ट है वो ये है कि इस बेस मॉडल के साथ में जहाँ तक है आपको एक सुपर जूम वाला मॉडल भी देखने को मिलेगा। और सुपर जूम, जैसा कि नेम से ही क्लैरिफाई हो रहा है कि उसमें आपको जूम की कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करके देखने को मिलेगी। और उसकी अगर मैं बात बताऊँ तो उसमें आपका एक 12 GB रैम का वेरियंट और उसके साथ में 5000 mAh की बैटरी और उसके साथ में आपको स्नैपड्रैगन 855+ वाला प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। और ये अगर अच्छे प्राइस पॉइंट के साथ में आता है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा और काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रहेगा दूसरे ब्रांड्स के लिए। सेकंड अपडेट बेसिकली हमारा निकल के आता है वीवो की सब ब्रांड जो IQ Neo 3 है उसके बारे में। तो देखिए, ये जो इमेज आपकी फ्लैश हो रही है, तो इस इमेज से आपका एक ब्लैक और ब्लू कलर में एक मिक्स वेरियंट है, मतलब कि जो आपका लीक होके आया है। और इसके स्पेसिफिकेशन की अगर मैं बात बताऊँ तो देखिए, बैक कैमरा पर आपको एक रेक्टेंगुलर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, मतलब कि एक डिज़ाइन जिसमें कि मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल का होगा। और बाकी अगर स्पेक्स की बात बताओ तो आपका प्रोसेसर में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 ही रहेगा, मतलब कि एक 5G ही फ़ोन आपका या फिर 5G का एक डेडिकेटेड मॉडल आएगा ही आएगा। तो मतलब कि आपका एक और गेमिंग फ़ोन होगा IQ की तरफ से, लेकिन मतलब फ़ोन है आपका गेमिंग फ़ोन अंदर से, लेकिन देखने में आप इसे नॉर्मल यूसेज के लिए भी बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं। तीसरा अपडेट बेसिकली आता है हमारा Huawei की तरफ से। तो देखिए, Huawei की तरफ से बैक टू बैक बहुत डिवाइसेस लॉन्च हुए हैं। अब Huawei की तरफ से उनके दो और मॉडल आपके लॉन्च हुए और बेसिकली आपके मिड रेंज सेक्शन में है। एक है आपका Huawei की तरफ से Honor 9X Lite और दूसरा है आपका Huawei की तरफ से उनका Honor 20E। अब इनके स्पेसिफिकेशंस की अगर मैं आपको बात बताता हूँ तो आपका Honor 9X Lite पे आपको देखने को मिलेगा एक 6.5 इंचेस का पैनल, बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 10 ही रहने वाला है। बैक कैमरा पे आपको एक ट्रिपल कैमरा का सेटअप, फ्रंट पे एक 16 मेगापिक्सल का फ्रंट, 4GB और 128GB स्टोरेज के वेरियंट, साथ में आपकी बैटरी में 3700 mAh की बैटरी। और अगर इसका मैं प्राइस पॉइंट बताऊं तो प्राइस पॉइंट के मामले में आपको देखने को मिलेगा 16,000 से 17,000 के बीच में, मतलब कि आपका 16,400 समथिंग रुपीज़ का है। लेकिन अब ये आपका इंडिया में नहीं अनवील हुआ, सो अगर आता है तो प्राइस पॉइंट आपका ये रहेगा। सेकंड डिवाइस आपका आता है Huawei की तरफ से ही, मतलब कि Huawei की तरफ से Huawei Honor 20E। अब इसके स्पेसिफिकेशन की अगर मैं बात बताता हूँ तो इसमें आपको एक 6.2 इंचेस का पैनल और उसके साथ में एक ट्रिपल कैमरा का सेटअप बैक पर और फ्रंट कैमरे में एक सिंगल कैमरा शूटर, और इसमें आपको मिलेगा हाई सिलिकॉन 710F वाला प्रोसेसर जो कि आपका इस डिवाइस को, और दूसरा वाला भी आपका जो डिवाइस है ना 9X Lite, दोनों के दोनों आपके मिड रेंज सेक्शन में ही आएंगे। लेकिन इसका प्राइस पॉइंट अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो इसका प्राइस पॉइंट आएगा आपका 14,000 से 15,000 के बीच में। सेकंड लास्ट अपडेट हमारा निकल गया था Redmi की तरफ से। तो देखिए, Redmi की तरफ से उनका Redmi Note 9 का एक और वेरियंट आपका लॉन्च हो सकता है, और जो सबसे हाईलाइटिंग पार्ट होगा इस वेरियंट का वो होगा इसका जो नया प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा, MediaTek G80 वाला चिपसेट। लास्ट अपडेट हमारा आता है Realme की तरफ से। तो देखिए, Realme की तरफ से जो उनकी Narzo सीरीज़ है जिसमें कि दो डिवाइसेस है, Realme Narzo 10 और आपका Realme Narzo 10A, जो कि आपकी काफ़ी ज़्यादा डिले होती जा रही है। लेकिन अब आपकी जबकि सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स की डिलीवरीज, मतलब कि नॉन एसेंशियल आइटम्स की भी डिलीवरी चालू हो गई है, तो वो जहां तक आपका रिलीज़ हो जाएगा जल्द ही। लेकिन उसमें जो खास बात है तो वो है उनके प्रोसेसर के, और प्रोसेसर में आपको एक MediaTek G70 और एक MediaTek G90 वाला देखने को मिलेगा। और प्राइस पॉइंट की अगर मैं बात बताऊँ तो 15,000 के नीचे नीचे Realme Narzo 10 का प्राइस हो सकता है और होना भी चाहिए, तभी जाके कुछ होगा। तो यही थे आपके मेन टेक अपडेट, बेसिकली आज के सारे टेक अपडेट मोबाइल्स के थे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दीज अपडेट्स एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब टेल लाइक।